शनिवार को चंबा भ्रमोर राष्ट्रीय राजमार्ग में लाहल ढांक में एक ट्रक पलट जाने के कारण चंबा भ्रमोर राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बंद रहा। बता दें कि शनिवार सुबह भ्रमोर में सामान छोड़कर कांगड़ा को वापस लौट रहे ट्रक की लाहल ढांक के पास से प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक न लगने पर चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए NH के बीचों बीच ट्रक को पलट दिया, जिससे ट्रक गहरी खाई में गिरने से बच गया, अन्यथा जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। NH पर गिरे ट्रक के कारण दोनों ओर लंबा जाम लग गया। लोगों ने इसकी सूचना भ्रमोर पुलिस को दी। इस हादसे में चालक को मामूली चोटें लगी हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल भ्रमोर ले जाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी प्रबंधन से बात करवा कर हाइड्रा मंगवा मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी प्रबंधन से बात कर हाइड्रा मंगवा कर ट्रक को NH किनारे करवाया, जिससे कि वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल पाई। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भ्रमोर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रैवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।